क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करे और अदालत की अवमानना करे? मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि दिल्ली में, जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जो अधिकारियों पर पहला अधिकार केजरीवाल सरकार का है, यानी कि चुनी हुई सरकार का, LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं दिल्ली के, वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो चुने हुए व्यक्ति नहीं हैं। इसीलिए अधिकारी जो हैं वो चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करेंगे, आदेश बिल्कुल स्पष्ट था। मगर क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने केजरीवाल सरकार को परेशान करना शुरू कर दिया है? कैसे, कुछ देर बाद बतलाऊंगा। और दूसरी तरफ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अदालत ने महाराष्ट्र को लेकर भी फैसला सुनाया था, शिंदे सरकार बच जरूर गई है मगर पद पर बने रहने का उनके पास अब नैतिक अधिकार नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल किया गया, स्पीकर पर सवाल किया गया, यानी कि उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को गैर वाजिब, संविधान के खिलाफ, कानून सम्मत नहीं तक बताया गया। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी नेता जो हैं उसमें अपनी जीत बतला रहे हैं। महाराष्ट्र की बात मैं कुछ देर बात करूंगा दोस्तों, मगर जो दिल्ली में हो रहा है ना वो वाकई शर्मनाक है। क्या आप जानते हैं कि धारा 141 के अंतर्गत मोदी सरकार अदालत की अवमानना कर रही है? मुद्दा क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन्स पर। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में संविधान पीठ के फैसले के अगले ही दिन केजरीवाल सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्विसेज के सचिव के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया गया है और कहा गया है कि केंद्र सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक तरीके से अवमानना के समान है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि धारा 141 के अंतर्गत ये अवमानना का मामला है। अब यहां 2-3 चीजें सामने उभर कर आती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अब एक बेंच का गठन कर दिया है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार अदालत का आदेश सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार इस तरह से लोकतंत्र का मजाक क्यों बना रही है? याद कीजिए दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की नाक कटी है दिल्ली के मामले में, आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होने वाला है। धीरे धीरे तमाम लोगों को जेल में ठूस दिया जाएगा। अदालत का आदेश साफ था। अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि बेशक पुलिस को लेकर, जमीन को लेकर और पब्लिक ऑर्डर को लेकर केजरीवाल सरकार के अधिकार नहीं है, यहां पर केंद्र सरकार के अधिकार हैं, मगर बाकी सब मामलों में दिल्ली सरकार देश की किसी भी राज्य की तरह है। लिहाजा अधिकारियों को एक चुनी हुई सरकार की सुननी चाहिए, मगर मोदी सरकार बुरी तरह से बौखला गई है, उसे सुन भी नहीं रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अदालत ने अपने आदेश में दरअसल कहा क्या था जो मिर्ची का सबब बन गई है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने आपके स्क्रीन्स पर? पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के खिलाफ होगा। दिल्ली अन्य राज्यों की तरह ही है और उसकी भी एक चुनी ही सरकार की व्यवस्था है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मान लिया कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, इन तीनों में केजरीवाल सरकार का कोई अधिकार नहीं है, मगर बाकी जगहों पर अगर मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार को एक्सपैंड किया जाएगा, उन्हें फैलाया जाएगा, तो दिल्ली सरकार जो कि चुनकर आई है, जिसे करीब 63 विधायक हैं विधानसभा में, ये उसकी तौहीन होगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बार बार कर रही है दोस्तों। ये अपने आप में कितने शर्म की बात है। स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी पार्टी जो है इससे नाराज है और वो इससे चिंतित भी है। हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती, ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश।
दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। मगर अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस कदर बेबस है ना मोदी सरकार के सामने कि उन्होंने एक बड़ी बेंच का गठन कर दिया। कायदे से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को फटकार लगानी चाहिए थी, आज बोलना चाहिए था कि भाई हमने कल ही तो आदेश सुनाया था और आज आप सुनने को तैयार नहीं है, या आप लोग कर क्या रहे हैं। पूरे देश में यही हो रहा है दोस्तों, पूरे देश में यही हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। मगर अब मैं बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जो फैसला आया है वो कहने को शिंदे सरकार और भाजपा के खिलाफ आया है, मगर भाजपा अपने जीत का दावा कर रही है। आपकी स्क्रीन पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने कहा है कि आओ चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जब मुझे लगा मेरे पास बहुमत नहीं था। एकनाथ शिंदे को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सख्त तेवर अपनाए उद्धव ठाकरे ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़े शब्दों में नसीहत दी है। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, इस वक्त देश में एक नंगा नाच चल रहा है और आपको इसे रोकना होगा। दुनिया भर में महाराष्ट्र का नाम खराब हो रहा है, बंद कीजिए ये सब। उद्धव ठाकरे ने यह नसीहत किसी और को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। अगर आप देखें तो दोस्तों कि मुद्दा जो है, या जिस नाच शब्द का इस्तेमाल यहां पर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, वो तथाकथित नाच सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है, वो तथाकथित नाच जो है वो दिल्ली में भी चल रहा है, और अभी अभी मैंने उसका प्रमाण आपके सामने दिया। उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश सुनाया कि जिन 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला सुनाया जाना है वो बीजेपी के स्पीकर को ही सुनाना है। और उद्धव ठाकरे ने अभी से कह दिया कि मैं जानता हूं कि इस मुद्दे पर भी मुझे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा। इससे पता चलता है कि पूरी व्यवस्था भाजपा की ताकत के सामने किस कदर बेबस है। कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया था, याद कीजिए दोस्तों किस तरह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सामने आए थे, चेहरे पर मुस्कान थी, एक किस्म की राजनीतिक बेशर्मी थी। उल्टा वो नसीहत दे रहे थे उद्धव ठाकरे को। क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस ने, आइए सुनते हैं। उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था। उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अब एकनाथ शिंदे को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और आज भी उन्होंने वही बात कही कि आओ मैदान में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, डर किस बात का है। क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, आइए सुनते हैं। तो उभर के सामने आती पहला, मैं मानता हूं, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं। तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है, ये तो गद्दार लोग। दुख की बात यह है दोस्तों कि आज की तारीख में पूरी व्यवस्था मानो भारतीय जनता पार्टी के सामने बेबस है। ये बेबसी नहीं तो क्या है मुझे बतलाइए। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट एक साफ आदेश सुनाता है, अगले ही दिन से अदालत के आदेश की अनदेखी केंद्र सरकार करता है। केजरीवाल जो हैं एक ट्रांसफर करते हैं, मगर उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं, उसमें गतिरोध पैदा किए जाते हैं। देश ऐसे नहीं चलने वाला है, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन मर्यादाओं का अनुसरण करना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह को उन मर्यादाओं का अनुसरण करना पड़ेगा।
आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प मानचित्र दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है भारत का मानचित्र। इसमें यह बतलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी किन राज्यों में सत्ता में है। अब जिन राज्यों में सत्ता में है उसे भगवा में दिखाया गया है, और जिन राज्यों में उन्होंने विधायक खरीद कर सत्ता हासिल की उसे लाल रंग में दिखाया गया है। अन्य राज्य जो हैं वहां पर भाजपा सत्ता में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता यही है दोस्तों कि धीरे धीरे उनके राज्य जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं जहां जहां वो सत्ता में है। अब अगर 2024 में मान लिया जाए कि बीजेपी सत्ता में दोबारा आ गई, मगर अगर उसके राज्य कम हो जाएं, आप सोच सकते हैं हालात कैसे होंगे। केंद्र में तो बीजेपी सत्ता में होगी, मगर राज्यों में वो पूरी तरह से नदारद, पूरी तरह से गायब है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दबंगई दिखाती है। इस मानचित्र को फिर से देखिए, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है उसे हमने लाल क्यों किया हुआ है। मध्य प्रदेश को लाल इसलिए किया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर जनादेश आया था कांग्रेस के नाम का, मगर वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को शहद चटाया गया और नतीजा आपके सामने है। इसी तरह से कई राज्यों में यही है। अब अगर हम पूर्वोत्तर की तरफ भी देखें तो पूर्वोत्तर में भी कई राज्यों में भाजपा जो है वो डायरेक्टली सत्ता में नहीं है, उसका गठबंधन है। अब मेरी एक बात पर गौर कीजिएगा, कल्पना कीजिए अगर 2024 में भाजपा चुनाव हार जाती है, क्या आप जानते हैं कि उत्तर पूर्व में भी उसका दखल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर यह होता है कि उत्तर पूर्व में जो राज्य है ना, जो छोटे छोटे राज्य हैं, वो लोग सरकार उसके साथ बनाते हैं जो केंद्र में सत्ता में है। इतिहास पर आप नजर दौड़ाएं, अगर 2024 में भाजपा हार जाती है तो केंद्र में जो भी सत्ता में होगा पूर्वोत्तर के तमाम जो राज्य हैं वो उनके साथ हाथ मिला देंगे और भाजपा से जो अपना दामन पीछे खींच लेंगे। इसलिए भाजपा दिल्ली में दबंगई दिखाती है, इसलिए महाराष्ट्र में इतना करारा तमाचा पड़ने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर मुस्कान है। उन्हें भूल जाइए, आपके स्क्रीन पर भगत सिंह कोश्यारी, यही वो राज्यपाल हैं जिनके बारे में बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस बुनियाद पर या जिस सामग्री के आधार पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट बुलाया था वो सरासर गलत था, कानून के हिसाब से नहीं था। उन्होंने ये तक कहा कि स्पीकर ने भी जो चीफ व्हिप का फैसला किया वो भी सरासर गलत था, यानी पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। मगर राज्यपाल क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं मेरे फैसले पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके सिर्फ एक फैसले पर मोहर लगाई है कि आपने एकनाथ शिंदे और बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, और वो तो होना ही था क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे और उसके बाद एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने अपना दावा पेश किया था, तो उन्हें तो आपको बुलाना ही था। मगर आपको इस सवाल का जवाब देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाकर यह बात कही है कि जो आपने फ्लोर टेस्ट की पेशकश की थी या जो बुलाया था फ्लोर टेस्ट वो गलत था, किस बुनियाद पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है अल्पमत में आ गई है, वही बुनियाद गलत था। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद अपनी पीठ जो है भाजपा और उनका प्रचार तंत्र थपथपा रहा है जो सरासर गलत है। भाजपा का डर, यही मानचित्र है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई राज्यों से ये गायब हैं, कुछ राज्यों में विधायक खरीद के तोड़फोड़ करके ये सत्ता में हैं, और साल के अंत में अभी तीन और राज्यों में चुनाव हैं, वहां पर सूपड़ा साफ हो जाता है या वहां पर वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाती है तो बीजेपी के लिए संघीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एक नई मुश्किल आ जाएगी। यही वजह है कि वो राज्यों पर इस तरह की दबंगई दिखाने का प्रयास करती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।